आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल के पेज पर, यानी कि आपको आज एक बार फिर से हम लाइव रिपोर्ट लेके चलेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि जो कोरोना योद्धा है हमारे देश में लगातार पिछले 70 दिनों से लगातार हमारी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रभुत्व प्रॉब्लम पर खुद से काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं सड़कों पर, जो लॉकडाउन था हल्ला कोई आसान था, पुलिसकर्मी स्टैंड थे, जो सफाई कर्मी थे हमारे साथ, जितने भी लोग ग्राउंड पर काम करते हैं हमारे साफ करते हैं। बहुत जरूरी था जब जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय सभी का अपने अपने कर्तव्य को पूरा करना वो भी पूरी निष्ठा के साथ। और अभी फिलहाल कोरोना योद्धा है उनको सुपर हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है वो भी बेहद बड़ा है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये तस्वीर, आपने आज से पहले बैटमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन की तो बात सुनी होगी, लेकिन अब फिलहाल आने वाले समय में जब शायद आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि फिलहाल जो लड़ाई कोरोना की महामारी से वो सिर्फ इन लोगों के दम पे ही जीती जा सकती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो फिलहाल पुलिस कर्मी और सीएम और पुलिस कर्मी लगातार हमारी सेवा में लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि सारे पुलिस कर्मी जो लॉकडाउन है उसको बनाए रखने के लिए, जो लोगों की कानून की व्यवस्था को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत थी इस वक्त, और ये लोग लगातार ड्यूटी करते रहे। आप जान सकते हैं कि बहुत से बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पार्टी में दिल्ली में मिला रहे हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरी तस्वीर आपको बताऊँ तो हमारे घर पर हमारा मेडिकल स्टाफ, जी हाँ, इस महामारी से बचाने के लिए आपको घर पर रखा गया था कि आपको ये वायरस ना फैले, वो उन पेशेंट्स को लगातार रोजाना उनके पास अपनी इच्छा से जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कर्तव्य क्या है। उनको आज धन्यवाद कर रहा है पूरा हिंदुस्तान। पेंटिंग्स आपको शायद आगे भी देखने को मिलेंगी, आगे आपके जो बच्चे हैं वो शायद कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ेंगे कि एक समय था जो 2020 का जब कोरोना महामारी आएगी तो हमारे लिए कुछ नए सुपर हीरो आए थे, वो मेडिकल स्टाफ और वो डॉक्टर जो लगातार कहीं ना कहीं एकदम नई बीमारी थी लेकिन उसको टैकल करने में कहीं भी पीछे नहीं हटा। दुनिया में पहली भारत में जिस तरीके से जो जनसंख्या थी बड़ी, उसके बावजूद अभी फिलहाल स्थिति को संभाला गया और जो काम चल रहा है लगातार हॉस्पिटल्स पे वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मेरे जानकार हैं वो कहते हैं कि 48 घंटे अपनी जगह से भी, क्योंकि फिलहाल जो ज़रूरत है वो हमारे देश को सबसे ज़्यादा है। हमारी लगातार हम बात करते हैं जो लोग हैं वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उस चीज़ में फंसे हुए हैं कि उनको दूसरों की जान बचानी है, अपने घर वालों को छोड़ के रोज़ाना उनसे 2 महीने से लगातार अलग रह रहे ये डॉक्टर आपकी सेवा में आते हैं। रोज़ाना हज़ारों हॉस्पिटल से लाखों डॉक्टर सिर्फ कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनको आज के वक्त है कि सुपर हीरो ये खुद बने हैं, क्योंकि जब ज़रूरत थी और जब जिसने हमारी जान बचाई, जब जिसने हमारे लिए खड़ा हुआ वो योद्धा ही हमारे लिए सुपर हीरो है। बहुत से बच्चे बैटमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सुपरमैन की जगह पुलिस वाला लेने वाला है, बैटमैन की जगह डॉक्टर लेने वाला है। और मीडिया कर्मी भी बहुत से देश लगातार देते रहे, वो भी बहुत से सफाई कर्मचारी थे वो भी लगातार जब लॉकडाउन हुआ फिलहाल जब टाइम पूरे देश भर में हम ये सुपर हीरो अलग अलग तरीके देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने हमें एक तरीके से एक नई जिंदगी दी है। हमारे देश को कहीं ना कहीं इन्हीं पासों से उन्होंने बचाने के लिए अपना जो कर्तव्य था वो पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। और मैं आपको दिखाऊं तो डिलीवरी बॉय अब फिलहाल लॉकडाउन के बाद लगातार आपके घरों पर सामान पहुँचाने का काम अभी इनके जिम्मे है, और घर पर बैठते हैं, फोन चलाते हैं, 2 मिनट में ऑर्डर करते हैं। इनका भी परिवार होता है, ये नहीं सोचते
अगली बार जब भी आपके पास घर पे सामान आ रहा है तो उसको एक बार थैंक यू भी बोलिएगा, क्योंकि लगातार रोजाना ये आपके लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। बहुत से लोगों के पास ऑप्शन था और आई थिंक इन सब पाँचों के पास, जो पाँच सुपर हीरो आज आपको दिखा रहा हूँ और भी बहुत से सुपर हीरो हैं, लोगों को खाना बांटा गया, लेकिन सबके पास ऑप्शन था घर पे बैठने का, लेकिन नहीं, कोई भी घर पर नहीं बैठा। सबने अपना कर्तव्य निभाया और शायद इसीलिए आज इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश लड़ रहा है लगातार इस कोरोना से। और फिलहाल जो इसको बनाने के लिए यहाँ पे एसडीएमसी ने सुपर हीरो की तरह दिखाने की कोशिश करी है और ये बात लोग फिलहाल आपको साफ है कि आपके लिए लगातार काम करते रहे। और जिन लोगों ने फिलहाल ये पेंटिंग बनाई जाए कि आपके रिश्वाला दिखाया जाए, रस्ता जाते हैं लोग हमारी मदद करने के लगातार, लेकिन ऐसा क्या दिमाग में था कि हाँ अब इनको सुपर हीरो बनाने का टाइम आना। एक्चुअली इससे हम लोग एक तरह का सल्यूट कर रहे हैं जर्नलिस्ट जो है हमारे, बिकॉज दे आर फाइटिंग एनली दे आर फाइटिंग विद आर विद इनविजिबल एनिमी जो उनसे, ठीक है, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, जो डॉक्टर्स है वो फ्रंट लाइन में है, ठीक है, अपनी जान जोखिम में डाल करके दे आर सेविंग द अदर्स, ठीक है। सो जस्ट टू सिंप्लीफाई अ बिग सल्यूट टू गिव अ बिग सल्यूट, हमने 360 सॉल्यूशन की मदद से। और आपने देखा था कि फोन वगैरह पे तो बहुत से ऐसे मतलब कि ऐसी आती है, अब तो फिलहाल दीवारों पे आ गए, और दीवारों पे आने का मतलब है लोगों के बीच सड़कों पे आने का मतलब है कि अब ये वाकई एक सुपर हीरो है जो हमें बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। राइट, ये तो होगा भाई, बिकॉज अब कोरोना का भी जब तक सारा ये चल रहा है, दे ये पहले भी वॉरियर थे, ठीक है, अब भी वॉरियर था, ये वॉरियर हमेशा रहे, ठीक है। तो जस्ट गिव देम अ बिग सैल्यूट, ठीक है, तो उनको एक ऑनर के लिए वी जस्ट बिल्कुल। तो यही बात थी कि किस तरह से अभी फिलहाल समझा जाए इन चीज़ों को। तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे साथ, ऐसे कुछ लोग और मौजूद हैं जो इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए आगे बढ़कर आए थे। सर शायद ये सुपर हीरोज बहुत लंबे समय तक हमें याद रहने वाले। बिल्कुल, हर हालत में एक्चुअली जिस हिसाब से इस समय जो चल रहा है कोरोना को लेकर, हर एक बंदा इतना टेंशन में है कि करे तो करेगा, लेकिन ये जो लोग हैं, जो छः लोग आप देख रहे हो मेन लोग जो हैं, ये व्हाट्सएप पे तो बहुत चल रहे हैं, हर एक बंदा व्हाट्सएप पे चला रहा है, लेकिन किसी को अगर देखे कहीं बोर्ड वोर्ड नहीं लगे कहीं पे। और यही एक्चुअल में मेन हीरो है जो हमें घर बता रहे हैं कि इस टाइम पे बाहर क्या चल रहा है, हमारे घर तक डिलीवरी कैसे हो रही है, पुलिस वाले कैसे मैनेज कर रहे हैं हर चीज़, डॉक्टर कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये एक्चुअल में ये पिक्चर अपने आप में यही बोल रही है कि हमें एटलीस्ट ये जो मेन हीरो हैं इनको तो बहुत सल्यूट बनता है बेसिकली। बाकी तो अभी आपको पता ही है कि क्या हालात है, बट लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में बोलना, तो डॉक्टर ये जितने भी आपको लोग दिखे तो भगवान की तरह। बिल्कुल, तो आपको देखिए ये समझना पड़ेगा कि जो अब फिलहाल जो एक पेंटिंग हमको आज दिखने को मिली है पेंटिंग है, हमें आज फील करना पड़ेगा कि ये वाकई में योद्धा थे, वाकई में ये सुपर हीरो हैं, जो योद्धा पहले जंग में आज से पहले हमारी जगहों को हमारे राज्यों को बचाते थे, लेकिन आज जब जान बचाने की बारी आई तो ये लोग खड़े हुए हमारे लिए लगातार जो सड़कों पर, जो लगातार हॉस्पिटल्स में हमारे लिए काम करते रहे, अपनी जान की परवाह किए बिना जो व्यक्ति लगातार लड़ता है आपके लिए उसको योद्धा कहा जाता है, और वही योद्धा आज के युग में सुपर हीरो कहलाता है। और इसीलिए आज ये जगह लगातार पूरा देश को एक सुपर हीरो की तरह रख रहा है, उसमें तो हमने बहुत देखी थी, लेकिन बात ये इतिहास लिखा जा रहा है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर हीरो लगातार आपकी सेवा में आज भी लगे हुए हैं। आपकी सेवा हमको करें
No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.